नमस्कार मित्रों, आप सभी को तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ वृषभ राशि वालों के लिए 2024 का ये मार्च का महीना किस प्रकार से रहने वाला है, क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, लव लाइफ कैसे रहेगी, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, भाग्य आपका साथ देगा कि नहीं देगा, सारी चीजें जानने के विस्तार पर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत ज्यादा शुभ मुहूर्त है। आप अपना राशिफल चंद्र राशि पर देखें। ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित है। जिन्हें अपनी राशि नहीं पता है वो अपनी चंद्र राशि के अनुसार भी इसे देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए मार्च 2024 किस प्रकार रहने वाला है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, आपके लग्न के स्वामी शुक्रदेव है, वो आपके भाग्य स्थान पर विराजमान है और आपके 12 तारीख के बाद आपके दशम स्थान पे आ जाएंगे। तो शुक्र की दोनों ही स्थान पे अच्छी युति है, दोनों ही उसके मित्र घर है, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी नहीं दिख रही। लेकिन आपका मन थोड़ा सा बेचैन रह सकता है, अनस्टेबल रह सकता है, मन का उच्चाटन होना, एक जगह टिक के नहीं रहना, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए अगर हम बात करें स्टूडेंट लाइफ के लिए, तो अगर देखिए आपके पंचम स्थान के स्वामी बुधदेव है, जो आपके 7 मार्च के बाद 11वें स्थान पे आ जाएंगे, अपने ही घर को देखेंगे। देखिए 7 मार्च के पहले आप कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन 7 मार्च के बाद देखिए अपने घर को तो देख रहे हैं बुधदेव, 11वें स्थान में बैठ के अपने पंचम स्थान को देख रहे हैं, लेकिन वो नीच के हो गए हैं। मीन राशि में बुध नीच का होता है, तो देखिए आप बुधदेव नीच के हो गए हैं, तो इसलिए अगर आप जो कार्य कर रहे हैं, आपने जो पढ़ाई में एक सब्जेक्ट चूज कर लिया है, एक काम चूज कर लिया है, तो उसी में आप लगे रहे, इधर उधर ना भटके। कोई मोटिवेट करके जाता है, मम्मी पापा ने कहा, दोस्त यारों ने कहा, 2 मिनट मोटिवेट करके आपने सब्जेक्ट चेंज कर लिया, कुछ भी ये कॉलेज पसंद नहीं था दूसरा चेंज कर लिया, ये चीजें आपको 7 मार्च के बाद नहीं करनी है, थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी चेंज करना है तो 7 मार्च के पहले कर लीजिएगा, उसके पहले आपको नहीं करना है, इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं लव लाइफ के बारे में, तो देखिए पंचम स्थान पे केतुदेव विराजमान है। लव लाइफ आपके अभी अभी भैया वैलेंटाइन डे गया, फरवरी के महीने में आपने अभी अभी प्रपोज किया, एक्स को भूल के नेक्स्ट को लेकर आए, अब आपको लव पार्टनर तो मिल गया, लेकिन थोड़ी सी इस माह आपको दिख रहा है, क्योंकि केतु तो पूरे साल रहने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा डाउट करेंगे, थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा सा मन उन पे होगा कि भैया ये चीज कहीं इससे बात तो नहीं करी, उससे बात तो नहीं करी, ये कहां जा रही है, थोड़ा सा आप उसको स्टॉप करेंगे, ये चीजें आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस समय सामने वाला व्यक्ति जिद्दी हो जाएगा, आप थोड़े से एग्रेसिव हो जाएंगे और आप डाउट करने लगेंगे, उस पर रोकने टोकने लगाने लग जाएंगे, तो ये चीजें आपको ब्रेकअप की स्थिति में भी लेकर जा सकती है। लव लाइफ की दृष्टि से ये महा आपके लिए शुभ नहीं है। जितनी हो सके शांति रखें, जितना हो सके अपने गुस्से पे कंट्रोल करें, जितनी क्योंकि मंगल और शुक्र भी साथ में है, तो आप थोड़ी सी कामुकता आपकी बढ़ सकती है, शारीरिक संबंध को बढ़ा के लेकर थोड़ी ये चीजें आपकी बढ़ सकती है, इन चीजों को थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है, इन चीजों पर थोड़ी सी आपको रोक लगानी है, क्योंकि मंगल शुक्र की युति है। जो भी करें आप, अगर मिलना चाह रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप 15 मार्च के बाद मिलने का करें, 15 के मिले मिलते तो कामुकता आपकी ज्यादा बढ़ सकती है, ये चीजें आपकी ज्यादा बढ़ेगी, ये चीजें आपके माइंड में बहुत ज्यादा हैवी होगी और एग्रेशन भी आपका ज्यादा बढ़ेगा, इन चीजों पर थोड़ा सा आपको 15 मार्च तक थोड़ा सा रोक लगाइएगा। अब शुरू करते हैं आपके मैरिड लाइफ की बात। देखिए मैरिड लाइफ की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा चल रहा है पार्टनर का, आपकी जो वाइफ है या आपका जो भी हस्बैंड है, उनका मूड बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, हर चीज को लेकर बहुत अच्छा है, उनके करियर को लेकर भी बहुत अच्छा अच्छा है। लेकिन जैसे शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे तो आप देखेंगे कि 12 के बाद, मान लीजिए 15 मार्च के बाद अचानक से उनको छोटी छोटी बातों पर वो थोड़ा सा मन उनका उभरना सा लग जाएगा, मन थोड़ा सा कि ये चीजें नहीं ऐसे करो, वैसे चीजें ऐसे करो, ऐसा मन थोड़ा सा आपका मूड स्विंग होने लग जाएगा, आपको गुस्सा आने लग जाएगा, वो लोग बातों का तालमेल नहीं होना, वो इस चीज की जीत करना, आप इस चीज की जीत करना, ये चीजें आपको देखने को मिलेगी 15 मार्च के बाद। इन चीजों का आपको थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है, मुंह पे एक ताला बाहर से खरीदना है, मुंह पे ताला लगा के आपको बैठ जाना है, क्योंकि इस समय आप लगाएंगे तो बात विवाद की बड़ी स्थिति बन सकती है, ससुराल पक्ष से भी थोड़ी सी दूरी बना के रखें तो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। भाग्य की बात करें, भाग्य स्थान के जो स्वामी बनते हैं वो शनिदेव है, जो कि आपके दशम स्थान पे बैठ के शश नामक योग बना रहे हैं, इसलिए देखिए दशम स्थान के स्वामी भी शनि है और भाग्य स्थान के स्वामी भी शनि है, आप दोनों ही स्थान के स्वामी शनि आपके दशम स्थान पर बैठे हुए। भाग्य की अगर मैं बात करूं, शनि के साथ सूर्य देव बैठे हुए हैं, तो अगर आप 15 मार्च के पहले
जो भी निर्णय लेते हैं भाग्य को लेकर वो आप अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि 15 मार्च के बाद सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। अभी शनि सूर्य दोनों साथ में बैठे हुए थे, सूर्य उसको अस्त कर रहा है, शनि देव को अस्त कर रहा है, शनि उनके शत्रु है। इसलिए कोई भी भाग्य को लेकर अगर निर्णय लेना चाहते, कोई भी इन्वेस्ट करना चाहते, कोई भी मकान लेना चाहते या कोई भी बड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप 15 मार्च के बाद करें, वो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। अब बात करते हैं आपकी जॉब को लेकर, आपके करियर को लेकर। अगर हम करियर की बात करें, आपकी जॉब की बात करें, तो इस समय आपके जो बॉस है, आपके जो सीनियर है, वो बहुत ज्यादा आपको स्टॉक करेंगे, बहुत ज्यादा आप पे नजर रखेंगे, आपके काम में हाथ बटाएंगे, इन्वॉल्व होंगे बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से आपका एक तो किसी किसी को अच्छा लगता है, किसी किसी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो छोटी छोटी चीजों को, आपकी कमियां निकालेंगे, छोटी छोटी बातों को लेकर आपका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। आप स्मार्ट वर्क करेंगे, कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा, वर्क भी अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन वो आपको बहुत ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी चीजों पर आपकी कभी निकाल देंगे, भाई ये अच्छे से नहीं हो, अच्छे सीनियर हो या बॉस हो, ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होंगे और छोटी छोटी बातों पे आपकी गलतियां खामियां निकालेंगे। आप बहुत ज्यादा परेशान भी होंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको इसको अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि आप स्मार्ट वर्क से कर रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, वर्क अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन वो लोग छोटी छोटी बातों पर आपके ये चीजें आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि सूर्य आपके दशम स्थान पे है। जैसे ही 15 मार्च के बाद सूर्य आपके 11वें स्थान पे जाएंगे, तो फिर ये सारी चीजें बॉस से और सीनियर से जो भी परेशानी है वो समाप्त होती दिखाई देगी। बिजनेस की अगर हम बात करें, तो बिजनेस की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी रहने वाली है। इस समय इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की चीजें आपकी बढ़ेगी, फॉरन के क्लाइंट आपसे जुड़ेंगे, विदेशी अगर आप विदेश से कुछ भी कार्य करते हैं, विदेशी अगर आपके क्लाइंट है, तो उनसे बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। इस समय इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का विजिट करते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। इस समय धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। इस समय थोड़ा सा एक्सपेंसिव खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता है, कोई अगर महंगी चीजें खरीद रहे हैं तो थोड़ा सा अवॉइड करने को सोचिएगा कि जरूरत है कि नहीं है तो लीजिएगा, ऐसे फालतू की चीजों पर खर्च करने से थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। तो ये रहा वृषभ राशि वालों के लिए मार्च 2024 का ये पूरा माह इस प्रकार से जाने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत ज्यादा शुभ मुहूर्त है। हर हर महादेव। हर समस्या का समाधान वो भी घर बैठे बैठे, हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी स्वतंत्र से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी, और संपर्क करें, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7828913229। धन्यवाद।